बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, जमील ए तशरीफ। आज हम इसी यूनिट की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे और बेसिकली हम एक करेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम था जमील, ठीक है, और उसका जो सिली बिहेवियर था और उसकी जो ब्लेमिंग थी, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से वो अपने फ्रेंड्स को अपने रुमाल के खो जाने का कसूरवार ठहराता है। ठीक है, आज हम पैराग्राफ नंबर 4 से 5 से स्टार्ट करेंगे। वेल गो ऑन सेड हनीफ एंड आफ्टर अ बिट आई सॉ अ काउलोटी ओवर आवर हेड। ठीक है, वो क्या कहता है कि हनीफ ने कहा, हाँ बात जारी रखो। एंड आफ्टर अ बिट आई सॉ अ काउलोटी ओवर आवर हेड। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक गाय बाढ़ ऊपर से दूसरी तरफ देख रही है। सैड जमील, जमील ने कहा, डिड यू लैंड हर योर हैंकल चीज, आस्क्ड सलीम। सलीम ने पूछा, क्या आपने उसे देखा, उसे अपना रुमाल दे दिया है। रियली सलीम, डू यू सपोज आई गो अबाउट लैंडिंग काउज माय हैंकल चीज, सैड जमील। जमील ने कहा, क्या आप वाकई सोचते हैं मैं गाय को अपना रुमाल उधार दे दूंगा। I suppose you think she wanted to polish her shoes with it. Well, she didn't go on. But did you do next? Asked him. क्या जी? मेरे ख्याल में आप सोचते हैं कि वो रुमाल से अपने जूते पॉलिश करना चाहती थी। अच्छा नहीं, हनीफ ने कहा, बात जारी रखो। Well, let me see, said Mr. Jameel. Oh, I know. A car came suddenly round the corner, and I had to jump quickly into the hedge, and I fell over and hurt my knee very bad. Did you really, poor old Mr. Jameel, said Hanif, for he knew how painful it was to fall down. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मिस्टर जमील कहता है कि अच्छा मुझे सोचने दो। हाँ, मुझे याद आया कि एक कार अचानक कोने के पीछे से आई थी और मुझे जल्दी से बाढ़ में छलांग लगाना पड़ी थी और मैं गिर गया था। ठीक है, और मेरा घुटना जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। हनीफ ने कहा, क्या वाकई ऐसा हुआ बेचारे बूढ़े मिस्टर जमील, क्योंकि उसे मालूम था कि नीचे गिरना कितना तकलीफ देगा। Did your knee bleed? Oh, terribly, said Mr. Jameel. I had to bandage it. ठीक है, अब यहाँ पे आके वो रुक जाता है। ठीक है, बोलते बोलते रुक जाता है। वो कहता है कि अब उससे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या आपके घुटने से खून बहा था। मिस्टर जमील ने कहा कि वो बुरी तरह मुझे इस पर पट्टी बांधना पड़ी। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। He suddenly stopped and went very red indeed. ठीक है, और वो बहुत उसका चेहरा वाकई बहुत सूख हो गया। He didn't finish what he was going to say. ठीक है, उसने अपनी बात ही मुकम्मल ना की जो कि वो कह रहा था। ठीक है बच्चों, go on, said Naeem. Naeem ने कहा कि बात जारी रखो। Oh, that's all, said Mr. Jameel. Mr. Jameel ने कहा, बस तमाम हो गई। Well, I don't think I will bother anymore about my handkerchief. मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मजीद अपने रुमाल की फिक्र करनी चाहिए। गुड बाय एवरीवन, हर एक को खुदा हाफिज। नो 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 मिस्टर जमील, डोंट गो हियर, सेड नईम। नईम ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर जमील, अभी ना जाओ। एंड ही हेल्ड हिम बाय हिज आर्म। ठीक है, और उसने उसे बाजू से पकड़ लिया। लेट्स सी योर पुअर हर्ट नी। ठीक है, आओ आपका जख्मी घुटना देखें। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट पैराग्राफ है। ओ इट्स क्वाइट ऑल राइट नाउ। ठीक है, नहीं आप जी बिल्कुल ठीक हो गया है। सेड मिस्टर जमील, मिस्टर जमील ने कहा, इट माइट बी, सेड नईम। नईम ने कहा कि हो सकता है आप ये ठीक हो गया हो या वो ठीक ना हुआ हो। ठीक है, इट माइट नॉट बी, ये ठीक ना हुआ हो, सेड नईम। नईम ने कहा, वी वुड बेटर लुक एंड सी इफ इट वांट्स वॉशिंग, टर्न अप योर ट्राउजर्स लेग। Jameel, so Jameel had to, and his knee was neatly pounded up with what do you think? ठीक है जी, अब तो क्या करते हैं कि नईम ने कहा कि हो सकता है ठीक ना हुआ हो, बेहतर है हम देखें कि इसे धोने की जरूरत ना हो। Jameel, अपने पांचे को टांग कर उठाओ। ठीक है, बस Jameel को ऐसा करना पड़ा और उसका घुटना खूबसूरती से बंधा हुआ था। सोचो किस चीज से बंधा हुआ। ठीक है बच्चों, Yes, his red spotted handkerchief. जी हाँ, उसका सुर्ख धब्बेदार रुमाल था। I don't wonder you feel ashamed of yourself, said Naeem. ठीक है, अब क्या है कि Naeem ने सख्ती से कहा, मेरा नहीं ख्याल आपको इस पर शर्मिंदगी होगी। ठीक है, coming back here and making all that fuss when if only you would thought for a moment,
quite well there, your silly old handkerchief was all the time. I am sorry, said Mr. Jameel, and he went home feeling very much ashamed. He didn't like to wear his handkerchief anymore, so now it is neatly folded in his drawer. Silly old Mr. Jameel made a paper mistake, didn't he? ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ कि नईम ने सख्ती से कहा कि मेरा नहीं ख्याल आपको इस पर शर्मिंदगी है, यहाँ वापस आकर सारा हंगामा खड़ा करना, जबकि आप एक लम्हे के लिए सोच रहे थे, आपको अच्छी तरह मालूम हो जाता कि आपका फजूल पुराना रुमाल इस वक्त जो है वो कहाँ पे था, इस वक्त कहाँ पे था। मिस्टर जमीन ने कहा, मुझे अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हुए घर चला गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद उसे वो रुमाल मजीद पसंद ना रहा, उसने बहुत खूबसूरती से उसे तय करके अपने दराज में रख दिया। खाली जहन पूरा मिस्टर जमीन, उसने वाक्य ही गलती की, क्या उसने गलती नहीं की। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था लेसन हमारा नंबर वन, इट इज़ अ शेम जमीन शर्मिंदा हुआ, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे मिस्टर जमील ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो आपको पहला मॉरल लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि आपको एक्टिव होना चाहिए ऑल टाइम। ठीक है, आपको एब्सेंट माइंडेड नहीं होना चाहिए। एब्सेंट माइंडेड तब होता है इंसान, ठीक है, जब आप बिला वजह जो बातें जिन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस बातों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। ठीक है, और टू मच पोजेसिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सिंपल से रुमाल था, उसने कोई ऐसा बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में इतना पोजेसिव था कि उसने अपने फ्रेंड्स को भी उसके लिए ब्लेम किया। ठीक है, सबसे जो बेसिक इसका थीम है, वो बड़ा थीम है, वो क्या है कि हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे आजकल घरों में बैठे हैं, ठीक है जी, लॉ के चल रहे हैं, तो बच्चों आप लोग क्या करते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ ना मिल रही हो, ठीक है, आप फौरन से शोर मचाते हैं, मुझे मामा ये नहीं मिल रहा, हालांकि वो चीज़ आपके सामने ही पड़ी होती है। ठीक है, या फिर आप अपने बहन भाइयों को ब्लेम कर रहे होते हैं, फलां दे दी ये चीज़ ले ली, फलां दे दी, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो आप खुद ही कहीं रख के भूल गए होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपने ये लेसन पढ़ा है ना, तो इस लेसन में अब आप देखिए कि आपको कितनी जो है वो एक कितना खूबसूरत थीम दिया गया है कि हमें अपनी चीज़ों को पहले खुद ढूंढना चाहिए। ठीक है, खुद ढूंढें, अगर आपके आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, आप अपने माइंड को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करना क्या होता है, रिकॉल करना क्या होता है, यानी आप जैसे आप जमील से उन्होंने वन बाय वन पूछा सबने, ठीक है कि तुमने अब क्या किया, तब क्या किया, ठीक है उसके बाद क्या किया, तो ये आपको होता है माइंड को रिकॉल करना, यानी आपने अपने जो लास्ट आपका वन आवर था, ठीक है, उसमें आपने क्या क्या काम किया, कहाँ से स्टार्ट लिया आपने। ठीक है, तो हमें जो है बजाय इसके कि दूसरों एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, हमें खुद इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि कभी ये नौबत आएगी ना। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है वो सिर्फ इसको बस रीडिंग कर लिया इसकी, और ये नहीं कि बस बुक बंद कर दें। आपने जो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके पास मॉरल लेसन है, वो आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ के साथ, कि दूसरों को ब्लेम नहीं करना बिला वजह। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे और इसके वर्ड्स सेंटेंसेस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।